नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। पीएम आवास नहीं मिलने से झोपड़ी में रहने को मजबूर बैगा आदिवासी परिवार। मामला ग्राम पंचायत छपरवाही के टंटिया टोला में निवासरत 20 बैगा परिवारों का। हम आपको बता दें कि बालाघाट जिले में बहियर, परसवाड़ा, बिरसा, मलाजखंड, लांजी व किरणापुर क्षेत्र में बैगा आदिवासी परिवारों की बहुतायत पाई जाती है, जिससे बालाघाट जिले में आदिवासी परिवारों की अधिक संख्या नक्सली जंगल क्षेत्र में पाई जाती है। इस दौरान बहियर में बैगा आदिवासी ओलंपिक का भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि वह जंगल के वातावरण से शहर के वातावरण व जागरूकता के साथ विकास हो सके। हम आपको बता दें कि कागजी कार्यवाही में बैगा परिवारों का विकास दर्ज तो हो जाता है, लेकिन जमीनी स्तर से देखा जाए तो वह मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर नजर आ रहा है। मेरा जीरो भाई हुई के नाम मिला? नहीं मिला है जी, मेरा हमको कुछ भी नहीं मिला है। हमारा घर तो पूरा झोपड़ा पट्टा है और वो पूरा जेली बिली भी उड़ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सचिव सरपंच को, तो हमको कोई लाभ नहीं देता। अच्छा। ना हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, ना हमको राशन भी नहीं मिलता। और बोलने भी जाते हैं तो बोलते हैं कि राशन कार्ड बनाने के लिए हम इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। हमारे पास गरीब के पास कहाँ से पैसा आएंगे? हम बच्चे को पालेंगे कि राशन कार्ड के लिए पैसे देंगे? और वो जाटू डॉक्टर बोलता है कि नहीं, यहाँ से मेरा जमीन है, मैंने यहाँ घर उठाऊंगा, ऐसा वैसा करके बोलता है। और वो डॉक्टर उठाएगा तो हमारे पास रहेगा क्या? कौन है डॉक्टर? डॉक्टर जाटा ये हॉस्पिटल में रहता है। अच्छा, गवर्नमेंट डॉक्टर है? हाँ, गवर्नमेंट डॉक्टर है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि यहाँ से मेरा जमीन है, ऐसा करके बोलता है। और हमारे पास जमीन है नहीं है, थोड़ा सा जमीन है, उसमें झोपड़ा पट्टा उठा लिए है, तो बोलता है कि यहाँ से मेरा जमीन है तो मैं ही उठाऊंगा यहाँ से, ऐसा करके बोलता है। और उठा भी लिया है थोड़ा मोड़ा। नहीं, आपने सरपंच सचिव को क्या बोले? हम सरपंच सचिव को बोले थे हमारा पक्का मकान बना दो जी, ऐसा करके, तो वो पक्का मकान तो बना ही नहीं रहे, आएगा तो देंगे, नहीं तो फिर पैसा दो बोलते हैं। अच्छा, कितने पैसे मांगने? कितना बोलते पैसा? पैसा तो पैसा ही दो बोले हैं, अभी पैसा कितने दो ऐसा नहीं बोले हैं। अच्छा, शौचालय वगैरह निर्माण हुआ है आपके यहाँ पर? शौचालय बन गया है, लेकिन ढक्कन सही से फिक्स नहीं कर रहे हैं। कई बार हो गई मैं बोलते तो वो ढक्कन के लिए हाव हाव बोलते हैं, पर और दूसरे जगह काम चालू कर ली है, लेकिन हमारा ढक्कन वो फिक्स नहीं कर रहे हैं। कहीं काम करवाए 9 दिन की, तो 9 दिन की हाजिरी आपको मिली है? नहीं मिली है, सबके खाता में पैसा आ गया लेकिन मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। अच्छा, कितने दिन में? 9 दिन। नहीं क्या अभी तक खाते में पैसा नहीं? कितने दिन में? अभी तो बोलने से 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीने हो गया। 2 महीना पहले काम किए थे, अभी तक खाते में पैसा नहीं आया। मुकेश पंद्रह, क्या समस्या है? जी समस्या यही है कि हमारे जो साथी भाई बहनों हैं उन लोग को जमीन नहीं मिल रहा है मकान बनाने के लिए। जब जमीन के लिए हमने आज कहने चाहिए मीटिंग रखे थे, तो मीटिंग के दौरान डॉक्टर जी को भी बुलाया गया जिन्हें जमीन हत्या के रखे हैं, तो उनको बोले, उन्हें वो बोलते हैं कि वो हमारे जवाई को ये जो जगह है हम जवाई को देंगे। कहाँ के निवासी उनके जवाई? उनके निवासी जबलपुर भिंड साइड के हैं। अच्छा, हाँ, तो वो तो उनसे हम लोग राय लिए कि इस जगह को हमारे लिए छोड़ दो कि हम कभी हमारा बड़ा मकान। डॉक्टर जाटव जो है ये कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब हमारी टीम पहुंची जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छपरवाही के टंटिया टोला में निवासरत लगभग 25-30 बैगा परिवार है। इस दौरान देखा गया कि ना तो कोई शासकीय योजनाओं का लाभ ले पा रहे। हम आपको बता दें कि जब सरकार के द्वारा इन परिवारों के लिए योजना को संचालित किया जाता है, पर वह जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती, इस दौरान सुविधाओं से वंचित है। हमारी टीम ने जब बैगा परिवारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पंचायत में कई बार पीएम आवास, पेंशन, राशन, शौचालय सहित अन्य योजनाओं के लिए कई बार गुहार लगाई गई, फिर भी योजनाओं से वंचित रहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मध्य प्रदेश बालाघाट से पंकज डहरवाल की रिपोर्ट। मैं सीमा भलावी बोल रही हूँ चिकला जोड़ी से। हाँ। हमारा घर था उधर। हाँ। लेकिन मेरे सास ससुर लोग के साथ हमारा पट्टा नहीं, इसलिए उन लोगों ने हमको बाहर निकाल दिए, तो हम इधर आके आबादी जगह में झोपड़पट्टी बनाए हैं। हाँ। तो घर बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ के सचिव सरपंच को बोलते है। हाँ। तो वो लोग बोलते है कि आ जाएगा। 2 साल हो गया हमको मकान के लिए लिखाए है, तो हमको अभी मकान भी नहीं मिल रहा है, और राशन कार्ड बनाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं
कि हमारे से कुछ नहीं हो सकता, तुम आगे जाओ। हम अब कहाँ जाएंगे ना, हम क्या कर सकते हैं और कहाँ जाके कैसा करेंगे, इसलिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को घर चाहिए और थोड़ा आबादी जगह है तो यहाँ जमीन चाहिए। मेरा नाम जयसपुर सरभांग है और मैं बालाघाट जिले के मसीह संघ का अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते आज हम लोगों ने सोचा था कि COVID-19 के तहत जो लॉकडाउन की समस्या, तो आज हमने सोचा कि एक बार और इस क्षेत्र की जानकारी ले लेते हैं कि गांव वालों के पास अभी क्या सरकार उनको सही में राशन पहुंचा पा रही है या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन आज जब हम यहां चिखला जोड़ी के छपरवाई पंचायत के टंटा टोला में पहुंचे तो बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि बैगांव से जब मुलाकात हुई उनके साथ एक और नई समस्या का पता चला कि किसी का 9 दिन का पैसा नहीं डला है, तो किसी के मकान का पैसा खा गए हैं, तो किसी को 5 किलो राशन भी नहीं मिला, ऐसी कई समस्याओं की जानकारी फिर हमको आज यहाँ पता चला। तो मेरा प्रशासन शासन से निवेदन है कि वो कम से कम इन बैगा परिवारों की चिंता करे और इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। तो आप उनके आवास मकान के लिए क्या करना चाहते? सर मैं इसका रीजन बता देता हूँ। 2011-12 में जो सर्वे हुआ था आर्थिक सामाजिक के तहत, वो जो सूची जो आई वो 245 नामों की, उसको हमने लिखवा दिया है सामने सूचना पटल पर, और वो नाम के आधार पर मकान मिलने में सर, नाम के आधार पे जैसे वहाँ नाम आया है उस डाटे में, वही हितग्राही को मकान देने का है, PMID के तहत देने का है, तो उसमें वो परिवार छूटे हैं, बाकी हम उनको ले लेते लेकिन छूटे हैं। पैगा आदिवासी परिवार ने और आरोप लगाया है, सरपंच और सचिव पर आरोप लगाया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ये जो या किसी कारण से वो ये बोलते होंगे, लेकिन हमने किसी डिमांड नहीं रखा, ना सरपंच साहब रखे ना सचिव साहब, आप अभी पूछ ले किसी को, हमने कभी ना किसी को पैसा भी नहीं मांगा, क्यों मांगे उनसे? हम जैसे भी हम हमारे पास जो भी जैसे परिस्थितियाँ आ जाती है पैसा के साथ, नहीं हम किसी को उधार मांगे, लेकिन हम इधर कभी ना पैसा लेते हैं, हमने नहीं ले। अब जो व्यक्ति के अंदर जिसको भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।